यूपी के अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के भाई ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ थाना अकराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी पीड़ित के भाई ने थाने में लिखवाई रिपोर्ट में कहा कि मैं सोमवार की शाम मेरी 14 वर्षीय बहन अपने घर में काम कर रही थी, माँ पड़ोस में गई हुई थी, तभी गांव का ही एक युवक मौका देखकर घर में घुस गया और बहन को बुरी नीयत से दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर माँ घर पर पहुंची तो बहन ने माँ को अपवीति बताई। इस दौरान आरोपी मौका देखकर घर से भाग निकला। किशोरी के भाई ने थाने पहुंचकर आरोपी लालू पुत्र स्वर्गीय किशन लाल निवासी गांव नगरिया पट्टी चरहम थाना अकराबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द ही पकड़ कर जेल भेजा जाएगा। आज दिनांक 3 नवंबर को पुलिस को दिन में 12 बजे लगभग एक सूचना मिली कि थाना अकराबाद क्षेत्र में एक बच्ची के साथ एक दुष्कर्म की सूचना मिली। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उस बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवाया और पॉक्सो एक्ट और धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो एक अभियुक्त है वो 20 वर्षीय अभियुक्त है, उसकी तलाश जारी है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। है हिमांशु, हिमांशु कहाँ रहे थे? नगरिया पट्टी चाहरा थाना अकराबाद। अच्छा, कौन है ये तुम्हारी? मेरी बहन। क्या हुआ इनके साथ? गांव मोहल्ले के एक लड़के ने बलात्कार किया इसका, कल 6 बजे। कब की घटना है? कल। तो इसमें कल शाम के। कौन है लड़का, क्या नाम है? लालू सनब किशन लाल। कहाँ का है लड़का? नगरिया पट्टी चाहरा और सागर जिला लीगढ़। तो किस तरह बेला फुसला का क्या? वो नशे में था, दारू दारू के नशे में। घर पर कोई था नहीं, मम्मी थी नहीं, वो अकेली थी बहन, इसलिए वो आ गया था पुलिस। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को कर दी? पुलिस को मैंने सुबह 12 बजे दी। कहाँ पर आए हो आप? मैं 100 नंबर पर फ़ोन किया। नहीं, इस वक्त कहाँ पर आए हो? मलखान से।